देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। जयपुर जिला ग्रामीण तहसील आमेर ग्राम पंचायत रूडल गुरुवार दिनांक 23 अगस्त 2018 जयपुर जिले के किसानों को हर महीने मिलने वाले बिजली बिल के विरोध में चल रहे बिजली बिल बंदी आंदोलन के तहत आज रूडल ग्राम पंचायत के किसानों ने डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में रूडल पावर ग्रिड पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया तथा कनिष्ठ अभियंता के नाम हर 6 महीने में एक बार बिजली बिल दिए जाने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आइए देखते रिपोर्ट। धरने पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसान कर्ज के बोझ से परेशान है, दूध व सब्जी से लागत भी नहीं मिलने से उसको घाटा हो रहा है, वहीं फसल भी 6 महीने से एक बार होती है। ऐसी स्थिति में किसान हर महीने बिजली बिल कैसे जमा करवाएगा। सरकार किसानों को राहत देने की बजाय उन पर नए नए नियम लगा रही है जिसे अब किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस धरने पर रूडल पंचायत के सभी किसान शामिल थे। धरने में रामेश्वर दुसाद, राम सिंह खंडाला, सुवालाल सैनी, महावीर बाड़ीगर, सरवण भैंसला, राम सिंह शेखावत, केलाहे चौधरी, राहुल शर्मा, विनोद दुसाद, बबली सिंह, भैरू दुसाद, हरफुल बाटोतिया, गोकुल दुसाद, रतन सिंह, हिम्मत सिंह, पूरन मीणा, घासी माली, मुकेश यादव और सुवा माली आदि किसान उपस्थित थे। सभी ने एक राय होकर हर महीने बिजली बिल का विरोध करते हुए अपना बिजली बिल जमा नहीं कराने का निर्णय किया। कैमरामैन हनुमान गुजर के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत की रिपोर्ट। करना चाहिए, 6 महीने में किसान की जेब में पैसा होगा तो किसान अपना बिजली का बिल जमा कराएगा। मैं आप सब धरने पर जितने भी यहाँ किसान आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपकी ये उपस्थिति ये बताती है कि आप सब लोग जागरूक है। संगठन कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी और यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी बड़ी ताकत है, संगठन में कितनी बड़ी ताकत है, एक जाजम पर बैठने में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए आप यहाँ धरने पर आए, आपने 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया है, 3 घंटे का समय आपने दिया है, लेकिन ये समय देने का मतलब